नमस्कार दर्शक मित्रों, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। रानीबाग क्षेत्र में शिवरात्रि के अवसर पर धूमधाम से निकाली गई शिव शोभा यात्रा, साक्षात महाकाल का रूप देख श्रद्धा से भर गए शिव भक्त। शिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना के बाद रानीबाग क्षेत्र में धूमधाम से श्रद्धा पूर्वक शिव शोभा यात्रा निकाली गई। एकजुट एक प्रयास संस्था द्वारा निकाली गई शिव शोभा यात्रा के दौरान शिव भक्तों में खास उत्साह देखा गया। शिव शोभा यात्रा में ऐसी छटा बिखेरी कि सारा वातावरण शिव भक्ति से सरोबार हो गया। बाबा महाकाल की रुद्राक्ष पालकी, महाकाल के तीन रूप और अन्य सुंदर झांकियों ने सभी का मन मोह लिया। पूरा माहौल शिव पार्वती की भक्ति में लीन था। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष, हर एक शिव भक्त उत्साह से लबरेज दिखा। शिव शोभा यात्रा सह शिव बारात में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा था। चारों ओर जय महाकाल, हर हर महादेव, बम बम बोले का जयकारा गूंज रहा था। इस शिव शोभा यात्रा सह भगवान शिव की बारात में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं बाबा महाकालेश्वर जी नंदी जी महाराज पर विराजमान हुए। अपनी जटाओं में चंद्रमा सजाए भक्तों के कल्याण हेतु चल रहे हैं। यह शिव शोभा यात्रा राजा पार्क हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर रानीबाग मार्केट संत नगर रोड पर फव्वारा चौक होते हुए राम मंदिर पर समाप्त हुई। इस शिव शोभा यात्रा के सफल आयोजन में एकजुट एक प्रयास संस्था के कोर कमेटी सदस्य अनिल खुराना, अरुण मुखर्जी, निहाल अग्रवाल, पंकज पाठक, दिनेश गुप्ता और कार्यकारिणी सदस्य ध्रुव शर्मा, भव्य शर्मा, हैप्पी शर्मा, राजीव निभोरिया, संजय कुमार, तरुण खन्ना, तरुण शर्मा, मनोज यादव, हितेश पाठक, मोनित गुप्ता व अन्य कार्यकर्ताओं का विशेष प्रयास रहा। इस अवसर पर भाजपा नेता और एकजुट एक प्रयास संस्था के कोर कमेटी सदस्य अरुण मुखर्जी ने कहा कि सभी लोगों के सहयोग से शिव शोभा यात्रा सह भगवान शिव की बारात का यह आयोजन सफल रहा। उन्होंने शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा बहाल रखने के लिए दिल्ली पुलिस को भी धन्यवाद कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। जिस तरीके से पिछले दिनों महाशिवरात्रि के अवसर पर रानीबाग क्षेत्र में महाशिवरात्रि की शिव भोले बाबा की बारात निकाली गई, आइए हम बात करते हैं उस भोले बाबा की यात्रा के। आयोजक लोग बैठे हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। अनिल खुराना। आपकी क्या जिम्मेदारी है एकजुट एक प्रयास? एकजुट एक प्रयास का स्थापना आप कह सकते हो कि मेरे द्वारा की गई थी, लेकिन कोई भी टीम बनती है जब तो वो एक अकेला व्यक्ति कभी भी नहीं चला सकता। तो मेरी ये जो टीम है उन्होंने इसे कार्यक्रम के लिए, शोभा यात्रा के लिए दिल से काम किया, दिल से मेहनत की, और दिल से की गई मेहनत का जो ये नतीजा हमने देखा कि इतना सफल आयोजन हुआ, हजारों लोगों की भीड़ ने इस यात्रा में हिस्सा लिया, शिव भक्ति का आनंद लिया और बहुत ही सफल तरीके से इस कार्यक्रम को करवाया गया। किस तरह का रहा आपका लोगों का अनुभव? देखिए, अनुभव बहुत अच्छा रहा। भारत की जनता, हमारी जनता ने हमारा बड़ा सहयोग किया, हमारे पत्रकारों भाइयों ने बड़ा सहयोग किया, हमारे साथियों ने यहाँ पे बड़ा सहयोग किया। सबसे बड़ी बात यह है कि शिव बरात बन के निकला। एक कारण से हमें सबसे ज्यादा जिन्होंने सहयोग किया वो हमारे पुलिस बलों ने भी हमको बड़ा सहयोग किया, और इसके लिए हमारे गणमान्य व्यक्तियों का, हमारे पुलिस बल का, हमारे पत्रकार बंधुओं का, साथ ही हमारे उन सभी कार्यकर्ताओं का जो एकजुट एक प्रयास के साथ जुड़ के उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम को अंजाम दिया। आपको शायद मालूम होगा कि एकजुट एक प्रयास आदर बच्चों के लिए, जो अंधे बच्चे हैं उनके लिए काम करती है। इसके साथ साथ हम समाज में मेडिकल कैंप लगाते हैं, लोगों की जनमानस की सुविधाओं के लिए हम लोग ये कार्य करते रहते हैं। अनिल खुराना जी के नेतृत्व में ये सब काम होता है, पंकज जी, निहाल जी, दिनेश जी, ये सब मिलके हम लोग इसके एक कोर कमेटी बनी और इस कोर कमेटी ने दिखा दिया कि आज यहाँ पे भी शिव बारात निकल सकता है। इसके लिए हम इस कोर कमेटी के अलावा भी
सभी कार्यकर्ताओं का मैं सहृदय धन्यवाद देता हूँ, अपने मित्रों का धन्यवाद देता हूँ, गणमान्य व्यक्तियों का धन्यवाद देता हूँ, खासकर पुलिस बल का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने बड़ा सहयोग किया। अब यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली गई थी? ये यात्रा राजापारा हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर के रानीबाग मार्केट, फौरा चौकरानी मार्केट होते हुए कैनरा बैंक, ऋषिनगर, ये हनुमान धाम मंदिर पे समाप्त हुई है। और इस विशाल यात्रा को मैं कहूंगा ये विशेष भव्य रूप जो इसने लिया, बाबा महाकाल जी का साक्षात रूप हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था, अपने जटाओं में चंद्रमा सजाए वो साक्षात विराजमान हमारे साथ होकर के हमारा हाथ पकड़ के चल रहे हैं कि आप लोगों ने और हमारी यहाँ की रानीबाग के क्षेत्र की जनता ने जो शिव भक्ति में डूबकर आनंद लिया और एक उत्साह बनाया, उसके लिए मैं तो बस शब्द नहीं है मेरे पास। और मैं दिल से दिल्ली पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करूँ, जिस तरह से उन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमारा साथ दिया, इतनी बड़ी विशाल संख्या होने के बाद भी हमारी यात्रा के अंदर किसी भी तरह की हल्की से भी कोई रुकावट नहीं उन्होंने आने दी है। मैं उनका सैल्यूट करता हूँ और अपनी कोर कमेटी की टीम अनिल जी, पंकज जी, दिनेश जी, अरुण जी और हमारे जो 10 लोग और थे कार्यकारिणी सदस्य, उन सभी का हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जो एक शोभा यात्रा को विशाल रूप दिया। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।